दोस्तों इस वीडियो में हम आपके साथ 5 मोस्ट प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाले हैं जिनकी मदद से आप 100% गारंटेड रोज सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ पाएंगे अगर आप हमारी बताई जाने वाली है 5 टिप्स 100% डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं। सो नंबर 1, स्विच ऑफ योर फोन अर्ली। दोस्तों अगर असल में देखा जाए तो सुबह जल्दी उठने से कई गुना ज्यादा मुश्किल रात को टाइम पे सोना होता है और ये होता है हमारे फोन्स की वजह से। रात को जल्दी नींद ना आने के सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं। पहला है कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे कि स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग या डिप्रेशन। ऐसा है तो प्लीज आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। और दूसरा है आपका खुद का बिगड़ा हुआ स्लीपिंग रूटीन जिसे ठीक करने के लिए आप हमारी ये बातें फॉलो करें। सबसे पहले आपने कितने बजे उठना है वो टाइम डिसाइड करो। सुबह 4 बजे या 8 बजे, दैट्स योर चॉइस। लेकिन आपने डेली 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है अगर अगले दिन प्रोडक्टिव रहना है। फिर उस हिसाब से जो रात को सोने का टाइम डिसाइड किया है उस टाइम से 2 घंटे पहले अपना फोन स्विच ऑफ कर देना है। सपोज आपको 10 बजे सोना है तो रात को 8 बजे ही अपना फोन स्विच ऑफ कर दो और फिर अपने फोन और ईयरफोन्स को अपने सिरहाने के पास बिल्कुल भी नहीं रखना। फोन में अलार्म लगाते हो तो फोन में एक फीचर होता है जिसमें आप अलार्म सेट करने के बाद अपने फोन को स्विच ऑफ कर दो और जो टाइम आपने सेट किया है उतने बजे फोन खुद ही ऑन हो जाएगा और अलार्म बजने लग जाएगा। और अगर ये फीचर नहीं है तो बेस्ट है कि आप एक अलार्म क्लॉक खरीद लो या अगर आपसे पहले कोई घर में उठता है तो आप उनको आपको उठाने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन हमारा गोल यही होना चाहिए कि रात को सोने से 2 घंटे पहले फोन स्विच ऑफ कर देना। अब ये सोने से पहले इन 2 घंटों में करना क्या है वो हम आपको पॉइंट नंबर 3 में डिटेल में बताएंगे। लेकिन अगर आप फोन स्विच ऑफ करने की आदत को फॉलो नहीं कर सकते तो आप सुबह जल्दी उठने के बारे में भूल ही जाओ और फिर आगे के पॉइंट्स आपके किसी काम के नहीं। लेकिन अगर आप सीरियस हो तो नंबर 2, योर पर्पस शुड बी स्ट्रॉन्ग। क्या आपको याद है कि जब हमें कभी सुबह अर्ली मॉर्निंग कोई ट्रेन पकड़नी होती है तो कैसे हम सुबह 3 या 4 बजे उठ जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे इतना सुबह जल्दी उठने के पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। तो रोज सुबह जल्दी उठने के पीछे आपका भी कोई स्ट्रॉन्ग रीजन या पर्पस होना चाहिए। आप अपना रीजन ये मत बनाओ कि मैं बस जल्दी उठना चाहता हूँ या फिर वर्ल्ड के कुछ मोस्ट सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी उठते हैं तो इसलिए मैं भी जल्दी उठूंगा। आपके पास कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए। अब ये आपकी स्टडीज हो सकती हैं, आपका वर्क या आपकी प्रैक्टिस एक्सेट्रा। आपको सुबह जल्दी उठ के फ्रेश होने के बाद वो एक्टिविटी करनी है जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके सुबह उठने के बाद के 3-4 घंटे बिल्कुल भी फ्री नहीं होने चाहिए। आपको अपने टाइम को फिक्स करके चलना है। अगर आपके पास पूरा दिन फ्री रहेगा तो आप सुबह जल्दी उठोगे ही क्यों? और सुबह उठने के बाद डे प्लान करने की गलती आपने नहीं करनी है बल्कि आपको एक दिन पहले ही अपना अगला पूरा दिन प्लान करके सोना है जिससे आप उठने के बाद ये सोचने में टाइम वेस्ट ना करो कि आज मुझे करना क्या है। आपको सुबह उठने के लिए एक अर्जेंसी क्रिएट करके रखनी है। नंबर 3, फॉलो अ बेड टाइम रूटीन। तो अब सवाल आता है लेकिन ये सोने से पहले जो 2 घंटे हैं उसमें हम करें क्या? देखो सोने से पहले ये 2 घंटे फोन ना चलाने की आदत शुरुआत में मुश्किल और बोरिंग होने वाली है लेकिन जब भी हमें किसी पुरानी आदत को छोड़ना होता है तो हमें उसे न्यू हैबिट से रिप्लेस करना पड़ता है। तो आपको इन 2 घंटों में एक रूटीन फॉलो करना है जिसमें आपको वो चीजें करनी है जो आपको पसंद हो। जैसे कि इस टाइम में आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, सेल्फ हेल्प या कोई स्टोरी वाली फिक्शनल बुक, जो भी आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। आप जर्नलिंग भी कर सकते हैं, अगर आपकी कोई हॉबी है तो उसे कर सकते हैं या अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं करना तो नॉर्मल कुछ भी ना करके सिर्फ नॉर्मल रह सकते हैं। ये रूटीन ऐसा होना चाहिए जो आपको पसंद हो। नंबर 4, जंप ऑफ द बेड राइट अवे। अलार्म बजने के बाद हम खुद से यही कहते हैं, यार बस 5 मिनट और सो लूं फिर उठ जाऊंगा। फिर या तो हम स्नूज बटन दबाते रहते हैं या सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद उठ जाऊंगा और उठने की जगह दोबारा सो जाते हैं। तो अब से आपको अपने अलार्म के स्नूज ऑप्शन को हमेशा के लिए ऑफ कर देना है और 5-10 अलग अलग टाइम के अलार्म लगाने की गलती भी नहीं करनी है, सिर्फ एक ही अलार्म लगाना है। अलार्म क्लॉक या फोन को खुद से दूर रखना है ताकि आपको उसे बंद करने के लिए बेड से उठ के चल के जाना पड़े। और जैसे ही अलार्म बजता है तो मेल रॉबिन्स का 5-second रूल यूज करो। अपने माइंड में 5, 4, 3, 2, 1 कहो और सीधा बिना कुछ सोचे बेड से उठ जाओ और फिर आपने उठते ही अपने बेड पे लेटे लेटे फोन यूज नहीं करना है। नंबर 5, ओनली स्टार्टिंग डेज विल बी हार्ड। जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो हमें शुरुआत में काफी मुश्किल तो होती है। तो आपको भी शुरुआत के कुछ दिन डेली लेजीनेस, थकान, फोकस में प्रॉब्लम, आंखों से पानी आएगा या सोने का मन करेगा। अगर आपका दिन में सोने का मन करे तो भी नहीं सोना बल्कि आपको अपनी बॉडी को इस न्यू रूटीन की आदत डलवानी है। आपकी बॉडी भी न्यू रूटीन में ढलेगी और आप भी। और ये स्टार्टिंग के कुछ दिन या वीक बिताने के बाद आप नॉर्मल फील करोगे और आपकी सुबह जल्दी उठने की आदत बन जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही
अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाए तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।